हाय गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर सेवन सिक्रेट एड पर स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस की आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। आर्थिक स्थिरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये डायनासोर, ओके, सेकंड ब्लू डायनासोर और ये है जिराफ। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। गाइस जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ, गाइस इसके पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंटेंशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए, सभी से देख सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल वन चूज़ की है ऑरेंज डायनासोर, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, यानी आर्थिक स्थिरता कब आएगी। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। यूनिवर्स डिवाइन कर्म नहीं लूंगी गाइस। आर्थिक स्टेबिलिटी क्वीन ऑफ कप, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्ट वन मिनट गाइस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख रहा है। ओके ओके, इस तरह से रखूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टेस, ओके, और जजमेंट, ओके, डेथ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, टेन ऑफ कप और पेज ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये वजह ये है गाइस, रीज़न ये है। चलिए यहाँ से भी पहले देख लेते हैं गाइस, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए उनकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। कौन हो कॉपिया, दैट्स गुड, अबंडेंस तो है गाइस, द थिंकिंग मैन, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द थिंकिंग वुमन, ओ, दो बार आए कार्ड गाइस, ओके, तो आर्थिक स्टेबिलिटी की गाइस, आपकी आर्थिक मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चाहिए, तो इसके लिए आपके कर्मा क्या है अभी, इसलिए मैं ये डेक ले रही हूँ। ओके गाइस, तो पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। ओके, क्योंकि हमारे कर्मा के आधार पर ही सब कुछ होता है, ये तो आपको भी पता है। सोलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, दैट्स गुड, ओके, सन एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बहुत ही बढ़िया। और एक लास्ट कार्ड मुझे चाहिए, सेमन, ट्रस्ट इन हाईएस्ट फोर्सेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ओके, तो गाइस आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हमारे पास कप के कार्ड आए हैं, ओके, और पेंटिकल यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो पेंटिकल के कार्ड हमारे पास दो आए हैं और वो है नाइट ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल। वो एनर्जी ही बहुत ही ज़्यादा स्लो है गाइस, ओके, पेंटिकल की एनर्जी तो स्लो हो ही होती है, लेकिन यहाँ
पेज ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा स्लो है और नाइट ऑफ पेंटिकल एक जगह पर खड़ा हुआ इंसान है, वो चल नहीं रहा है। ओके, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले थी, ओके, आर्थिक स्थिरता आपकी लाइफ में थी, लेकिन आप इमोशनल इंसान हो, आपको सभी की चिंता है, फिक्र है, इस वजह से आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए अपने पैसे खर्च करते हो, ओके, या करती है, तो बहुत सारे खर्च हो जाने की वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैठती ही नहीं है। आपको सभी के ऊपर दया आ जाती है, आपको सभी के लिए सब कुछ करना है, हमारे पास जजमेंट, हाई प्रेस्टेज, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये कार्ड बता रहे 10 of Cup, क्वीन ऑफ कप, ये कार्ड बता रहे गाइस कि आपको बहुत सारा अपनी फैमिली को लेकर एक इमोशनल फीलिंग है, और ये अच्छी बात है आपके लिए कि आप लोगों का ध्यान रखते हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पेज ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आपके खर्च बहुत ज़्यादा है, जितनी आपकी इनकम भी नहीं है, ओके, आप सभी के लिए करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन हो, आप सभी के साथ अच्छे रहना चाहते हो, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हो, किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते हो, इस वजह से जो इंसान आपके पास से जो कुछ भी मांगता है वो आप तुरंत उनको लाकर देते हो, ओके, लेकिन इस वजह से पेज ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आप मैच्योरिटी से फाइनेंस स्टेबिलिटी को हैंडल नहीं कर रहे हो, पेज की एनर्जी इमैच्योरिटी की होती है, ओके, तो यहाँ भी पेज का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये है गाइस कि आपके पास फाइनेंस आती है, मतलब आपके पास पैसे आते हैं, लेकिन आप खर्च कर देते हो और मैच्योरिटी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप सभी के सपने शौक पूरे करने के वजह से आप ठीक तरह से पैसे यूज़ नहीं कर रहे हो, इसको इमैच्योरिटी कहते हैं। अपना दिल लगा के सारे लोगों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, ये कार्ड यही कह रहा है, ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहा है कि आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, ओके, और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है गाइस, यहाँ ये कि आपके पास पैसे आते तो है, लेकिन स्लो मोशन में आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बढ़ते जल्दी नहीं हैं। इस वजह से हमारे पास दो कार्ड आए हैं, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इस वजह से कभी कभी आप टेंशन लेते हो, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि आप सभी की ज़रूरियात पूरी कर नीड पूरी करने में लगे हुए हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ हमारे पास कार्ड आया है टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, आप सभी के नीड्स पूरी करने के लिए ये जो मेहनत करते हो ये अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब जिन लोगों को जो चीज़ें नहीं चाहिए वो भी उनको लाकर दे रहे हो, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें आप पैसे अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, ओके। अब हमारा सवाल है कि आपके लाइफ में आर्थिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक स्थिरता कब आएगी, तो हमारे पास कार्ड है द सन एंड कॉर्नोकोपिया। तो गाइस, आपकी लाइफ बहुत ही दूसरों से अलग है, एक यूनिक पर्सन हो आप, ओके, क्यों, क्योंकि आप दूसरों के प्रति बहुत कुछ करते हो गाइस, बहुत कुछ करते हो, इस वजह से यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बरकरार रहेगा।
जिस तरह से आप अभी चल रहे हो वैसे भी आगे भी चलते रहोगे, लेकिन आपके पास पैसे बचेंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करते हो। लेकिन आपके लाइफ में पैसे कम नहीं होंगे, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में हमेशा ऑलवेज अबंडेंस रहोगे, मतलब आपके पास पैसे तो आते ही रहेंगे पूरी लाइफ। आपके ऊपर यूनिवर्स का इतना अच्छा आशीर्वाद है, इतना अच्छा ब्लेस है गाइस, कि आपके ऊपर पूरी लाइफ गॉड का, यूनिवर्स का आशीर्वाद रहेगा, ब्लेस रहेगी। इस वजह से आपके पास पैसे तो आते ही रहेंगे, लेकिन वो जाते भी रहेंगे। और हमारा सवाल है कि आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी? तो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, इसका मतलब ये है गाइस कि यूनिवर्स आपको एक चांस देंगे। तब आपको वो पैसे रखने हैं अपने पास और अपने आप को स्टेबल इंसान बनाना है, या फिर पहले जो कर रहे हो अभी भी कर रहे हो ऐसे ही लाइफ जीने हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, उस अपॉर्चुनिटी में आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है या नहीं बनना है वो आपके ऊपर है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक होगा गाइस, और आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अब आप ये पैसों का किस तरह से इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए कॉर्नुकोपिया के नीचे ये कार्ड आया है जो ये बता रहा है गाइस, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कर्मा के कार्ड होते हैं, तो आपके कर्मा बहुत ही अच्छे हैं गाइस, इस वजह से यूनिवर्स आपके आपसे बहुत खुश है। इस वजह से यहाँ कार्ड आया है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इससे आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी, लेकिन इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, ये कार्ड बता रहा है, कह रहा है। और आपको अपनी लाइफ में ये जो अबंडेंस आपको चाहिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो और उसके बाद बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो और फिर टेंशन में आ जाते हो, तो आपको सोच समझ कर अपने पैसे खर्च करने हैं। अपना दिल दिल तो लगाते हो लेकिन दिमाग लगाना भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ओवर इमोशनल फूल नहीं बनना है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि मुझे कहाँ कैसे कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने मेरे पास रखने हैं अपने फ्यूचर के लिए। और आप अपने हायर सेल्फ से एक डिसीज़न ले लोगे कि मुझे पैसे बचाने ही है और मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। आप अपने ऊपर स्ट्रांग रहोगे तो आप कर पाओगे। ये कार्ड बता रहे। तो गाइस, यहाँ आपके लाइफ में पूरी लाइफ आपको फाइनेंशियली बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, आपको पूरी लाइफ आपके लाइफ में पैसे आते रहेंगे, लेकिन वो जाते भी रहेंगे, आपके खर्च होते ही रहेंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने पैसे बचाते हो। यहाँ आपको एडवाइस के तौर पे ये यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको सोच समझ कर पैसे खर्च करने हैं और अपना पूरी तरह से दिलो दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ इमोशनल होकर अपना दिल लगा कर ही खर्च नहीं करना है, अपना दिलो दिमाग से ही काम लेना है, जिससे आप सही फैसला ले पाए कि कहाँ मुझे कितना खर्च करना है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस।
कि आपके लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी, मतलब कि फाइनेंस स्टेबिलिटी कब आएगी। पाइल टू जिसके से अभी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनके लाइफ में बहुत सारे कार्ड पॉपअप हो गए। ओके यूनिवर्स, ये भी कार्ड में नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिसके से अभी चूज़ की है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। पाइल टू में ही चले गाइस, देखते हैं। ओके यूनिवर्स डिवाइन, थ्री ऑफ सॉर्ड, ओके जस्टिस, किंग ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड, ओके। पाइल टू जिसके से भी चूज किया है, डिवाइन बताइए कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, द सन, नाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं। ओके जर्नी, द सन फिर से, ओके फाइनेंस कंस्टेंट। हम इसी की रीडिंग कर रहे हैं और वही कार्ड आ गए गाइस, और डोर टू वैल्यू, और इसी की रीडिंग हो रही है। बहुत ही बढ़िया, कार्ड की एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है गाइस, और ये डेक से मैं देखूंगी कि आपके कर्मा के हिसाब से, इससे हमें पता चलेगा कि आपकी कर्मा क्या है। ओके और इस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में आर्थिक स्टेबिलिटी कब मिलेगी। ओके यूनिवर्स डिवाइन ऑन्टोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्शन एनर्जी, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, ओ। तो गाइस आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी हमारा सवाल है। तो गाइस यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इमोशनली आप पूरी तरह से टूट चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं कि मैं अबंडेंस हो जाऊं, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड के साथ किंग ऑफ पेंटिकल आए हैं गाइस। इसका मतलब ये है गाइस कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, और इस वजह से आपको फाइनेंशियली अपनी लाइफ में किस तरह से किस फील्ड में आगे बढ़ना है उसमें आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके और यहाँ बहुत सारे इमोशनल एनर्जी है गाइस, सिक्स ऑफ सॉर्ड में भी बहुत सारा पानी है, किंग ऑफ कप भी इमोशंस की एनर्जी दिखा रहे हैं गाइस। ओके और टू ऑफ पेंटिकल में भी गाइस पानी है। ओके और यहाँ बादल है गाइस, इसका मतलब ये है गाइस कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके हो अपनी लाइफ में, और इसकी वजह है फाइनेंस। ओके आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से आप पूरी तरह से अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर पा रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, मतलब टूट चुका है,
और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, या आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओके, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, और यहाँ टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आप कैरियर में भी इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, और अपने इमोशनल लाइफ में, अपनी फैमिली को लेकर, आपकी इमोशनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है। मतलब आप दोनों तरफ से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे मेरा क्या होगा। अभी आपकी एनर्जी पेज ऑफ शॉर्ट की एनर्जी है, ओके, और पेज ऑफ शॉर्ट ऐसा इंसान होता है गाइस कि वो बहुत ही इमेच्योर तरीके से आगे बढ़ता है, ओके, क्योंकि आप बहुत सारी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तो गाइस, ये जिस किसी की भी पाइल है, इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आप अपने पूर्वजों को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हो, ओके। मैंने आपको यहाँ बताया कि बहुत सारे कार्ड में इमोशंस है, ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और यहाँ हमारे पास यहाँ लिखा है कि रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है, श्राद्ध या जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ओके, और किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको, आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर कुछ भी नहीं किया है, इस वजह से आज आप रो रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में कब अबंडेंस आएगी, कब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा फाइनेंस के तौर पर, ओके, क्योंकि आपके लाइफ में फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा, ओके। आप जो कुछ भी काम करने चाहते हो उसमें आप मेहनत ज़्यादा करते हो और मिलता आपको कम है, राइट, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ है। शायद आपने अपने पूर्वजों को लेकर कुछ भी नहीं किया है, तो पहले आप अपने पूर्वजों को खुश करो, उनके लिए जो कुछ भी करना होता है वो कीजिए, और आपके पूर्वज खुश होंगे तो वो अपना संदेशा यूनिवर्स के तक पहुंचाएंगे और आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी, ओके। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी आर्थिक स्थिरता आपके पूर्वजों के लेकर आपने जो कुछ भी नहीं किया है, इस वजह से आपके घर में पैसे ज़रूर आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, ओके। वो आपके लाइफ में जो कुछ भी आपको पैसे मिलते हैं गाइस, वो किसी ना किसी तरह से कोई भी रुख मोड़ कर वो आपके घर से निकल ही जाएंगे, क्योंकि आपको अपने पूर्वजों को लेकर करना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास दो बार सन आया है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ओके, लेकिन उसको लेकर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो मैंने आपको अभी बताया, ओके। आपको अपने एंसेस्टर के लिए कुछ करना पड़ेगा, मतलब जो कुछ भी करना होता है वो करना पड़ेगा, तभी आपको अबंडेंस मिलेगी अपनी लाइफ में, ओके। वरना हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल, दो बार सन, फाइनेंशियल कंस्टेंट, डोर टू वैल्यू, बहुत सारे ऐसे कार्ड है जो ये बता रहे हैं गाइस कि आपके लाइफ में बहुत सारी आर्थिक स्टेबिलिटी है। और हमारा सवाल भी ये है कि आपके लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। तो आप जब भी ये आपका एक पूर्वजों को लेकर ये करना होता है वो आप कर दोगे, उनको खुश कर दोगे, तो वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी, ओके। तो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लेकिन वो किसी ना किसी थ्रू रास्ता कर लेती है और निकल जाती है, चली जाती है। तो आपके घर में पैसे टिके, पैसे रहे, और उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ और आपके घर में ही पैसे रहे, इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा,
ओके, हमारे पूर्वज नाराज होते हैं तो घर में पैसों की कटौती हो जाती है, ओके। इसके लिए मैं बोल रही हूँ गाइस कि आपको अपने पूर्वज को लेकर ये करना है, ओके। पूर्वज को लेकर क्या क्या करना होता है वो आप गूगल सर्च करोगे तो उन पे आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ हमारे पास आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पूर्वजों को लेकर जो नाराज़ है उनको खुश कर दोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस रहेगी और आर्थिक स्टेबिलिटी पूरी तरह से बनी रहेगी पूरी लाइफ, ओके। और आप जितने पैसे अपने घर में रखना चाहते हो रख सकोगे, मतलब कि आप जो एक पूंजी अपनी रख नहीं पा रहे हो वो कर पाओगे, ओके। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, ओके। तो यहाँ सारे कार्ड यही कह रहे हैं गाइस कि फाइनेंस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप इमोशनली इस वजह से टूट चुके हो, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आप एक एक दिन कैसे निकाल रहे हो वो बहुत ही दुख की बात है, ओके। तो ये जो दुख है गाइस, इसकी एनर्जी मुझे मिल रही है, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको अपने पूर्वजों को लेकर करना पड़ेगा, वो नाराज़ है तो उनको खुश करना पड़ेगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस आएगी, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइज़।